नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम आयरोक्सी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आयरोक्सी लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो कल के दिन में स्टॉक में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिली थी। आज भी देख सकते कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम कोई खास नज़र नहीं आई थी, पर एंड ऑफ द डे में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी थी। जैसे कि आरवीएनएल स्टॉक के अंदर तेज़ी पकड़ी, स्टॉक के अंदर आयरोक्सी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। तो देख सकते कि स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली, सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते कि वॉल्यूम्स थे अच्छे खासे, पर यहाँ पे स्टॉक के अंदर कोई खास मोमेंटम नज़र नहीं आए। जैसे कि रेलवे स्टॉक आज फिर से एक अच्छी मोमेंटम, जहाँ पे मार्केट नेगेटिव था, रेलवे स्टॉक्स ने एक अच्छा परफॉर्म किया है, 10 to 5% रैली की, पर आईआरएफसी में वो तेजी देखने को नहीं मिले। तो तकरीबन यहाँ पे 134 लेवल का कंटिन्यूस सपोर्ट लेना भी एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि स्टॉक वहाँ पे एक बेस बना रहा है, तो एक बेस बना के ऊपर सस्टेन होता है 134 के, तो ईजिली ऊपर जाने के जो चांसेस है वो नज़र आ जाएंगे। आज भी देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग का भी अच्छा सपोर्ट लिया स्टॉक ने और यहाँ पे मार्केट कैप 45,000 करोड़ की है, पी रेशो भी अच्छा खासा है 6 to 7 का और डिविडेंड यील्ड 4% से ऊपर। तो देख सकते कि स्टॉक की बाकी के जो रिटेल है, जैसे कि लास्ट 1 मंथ में एक अच्छा रिटर्न दिया है 26% से ज़्यादा, पर यहाँ पे आप देखोगे ऑल टाइम का भी चार्ट देखोगे तो उतना ही रिटर्न देता हुआ नज़र आ जाएगा, 40% तक का रिटर्न दिया है स्टॉक ने अभी तक। तो यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन स्टॉक के चार्ट के ऊपर भी नज़र डालेंगे तो कम्प्लीटली यहाँ पे आप देख सकते कि कल भी स्टॉक ने 34 लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लिया था, आज भी स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ चुका है। वॉल्यूम्स अच्छे थे पर यहाँ पे कोई खास मोमेंटम ऊपर के साइड देखने को मिले नहीं है, पर यहाँ पे 134 लेवल जो है स्टॉक मेंटेन करता है तो ऊपर जाने के जो चांसेस है वो एक पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकती है और ईजिली नए हाइज की तरफ जा सकता है स्टॉक। तो रिसेंटली कल नया 52 वीक हाई बनाया था स्टॉक ने, पर आज देख सकते स्टॉक के अंदर 24 मोमेंट थी, वॉल्यूम्स अच्छे थे पर ऊपर के साइड जाने में तेजी दिखाई नहीं दी थी। तो देख सकते कि स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते 34 लेवल पे सस्टेन होता है तो इजीली एक बेस बना के बाद ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं।